अभी मैं कल्पतरु रेडियंस का फर्निश्ड फ्लैट दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप का ये फ्लैट रेडी होने के बाद कितना स्पेस वगैरह बेड वगैरह डालने के बाद आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट जब हम एंटर किए तो ये इसका आपका लिविंग एरिया है और ये इसका डाइनिंग एरिया है। और इसका जो फेसिंग है वो एमिनिटीज़ फेसिंग है। अभी अभी तो इसका जस्ट 2-3 डेज ही पीछे ही पहले ही इसका ओसी आया है। इसकी बालकनी है जो हॉल में बालकनी दिया हुआ है सारे फ्लैट्स में, और बालकनी भी छोटा मोटा नहीं, करीबन देखें 5 से 6 फुट की विड्थ है बालकनी की। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये क्लब हाउस है, और आगे दूसरा इसका क्लब हाउस, दो तो क्लब हाउस है, बीच में 2-3 टाइप का इसका स्विमिंग पूल है, साथ ही साथ बच्चों को खेलने का पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। अभी किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया पूरा अभी आएगा, क्योंकि ये 2-3 सालों से लॉकडाउन के दौरान बंद हुआ था ये काम, और अभी तक बंद ही था। अभी कंप्लीट इसका ओसी आ चुका है, 2 से 3 महीने में डेवलपर पूरे फिनिश करके इसका पोजीशन देने वाले हैं। ये एमिनिटीज़ फेसिंग है जो मैं आपको, एक फ्लैट तो मैं आपको दिखाया हायर फ्लोर से, और ये आपको लोअर फ्लोर से एमिनिटीज़ फ्लोर दिखा रहा हूँ, एमिनिटीज़ फेसिंग दिखा रहा हूँ। ये इसका डाइनिंग, डाइनिंग का आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पेस दिया हुआ है, और यही किचन से अटैच्ड है। ये आप देख सकते हैं फुल्ली फर्निश्ड, मैंने आपको रॉ फ्लैट भी दिखाया है किस टाइप का आएगा, कैसा आएगा वो आप समझ सकते हैं, और ये फर्निश करके दिखाया हुआ है कि आप फर्नीचर डालने के बाद आपका फ्लैट का कैसा, कितना स्पेस बचता है, क्या और आएगा। ये बाहर का तो मैंने छज्जा आपको दिखाया ही है, और ये किचन से अटैच एक सर्वेंट के लिए जगह दिया हुआ है, स्टाफ के लिए जो आपका देख रेख करते हैं, सर्वेंट या ड्राइवर के लिए जगह दिया हुआ है जहाँ पे वो रह सकते हैं। इनके लिए एक सेपरेट वॉशरूम भी है, सर्वेंट के लिए वो सेपरेट वॉशरूम भी दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल जो फैमिली और गेस्ट जो यूज़ करते हैं वो सर्वेंट इनके यूज़ ना करें। ये इसके बाद मैं अंदर का तीनों बेडरूम दिखाता हूँ कि किस टाइप में डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। तो फर्स्ट जो इनका ये बेडरूम है, ये इन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, आप इसमें बेड भी डाल सकते हैं या म्यूजिक रूम बना सकते हैं या स्टडी रूम बना सकते हैं, ये इन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। आपके पास हिल व्यू, सी व्यू और एमिनिटीज व्यू भी फ्लैट मिलता है इसमें, आपका जैसा चॉइस हो वैसा आप ले सकते हैं। ये तो स्टडी रूम के हिसाब से इन्होंने कबर्ड और स्टडी टेबल बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्टडी टेबल है। डिपेंड आपका चॉइस, जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है जो मैंने दिखाया। इसके बाद इसका कॉमन वॉशरूम है, ये भी पूरा अभी मैं 2 बेडरूम और दिखाता हूँ जो दोनों मास्टर बेडरूम है, वो क्या साइज है, एक 7x7 का बेड रखने के बाद भी आपको क्या स्पेस मिलता है वो आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए हर एक डेवलपर एक डेमो फ्लैट, सैम्पल फ्लैट बनाते हैं ताकि समझ पाएँ। कि ये इसका मास्टर बेडरूम है जो 3 BHK में, एक कॉमन बेडरूम और 2 मास्टर बेडरूम में जनरली कंसेप्ट है वही है, बट कारपेट इसका बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, इतना कारपेट जनरली बिल्डर्स बनाते नहीं हैं। ये इसका पहला मास्टर बेडरूम, और इसके बगल में मैं आपको दूसरा मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम है, और सब में एक ब्यूटीफुल बात यह है कि सब में छज्जा दिया हुआ है। ये
ये आप देख सकते हैं 7x7 का बेड रखने के बाद भी कितना बड़ा जगह आपको जनरली यूज़ के लिए मिलता है। तो ये वार्डरोब और इस तरफ बेड, इसके बीच में आपको ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम इतना बड़ा है कि यहाँ पे आप एक बाथ टब का प्रोविज़न भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने फर्निश्ड आपको दिखाया है ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि फर्नीचर करने के बाद आपको फ्लैट किस टाइप का दिखने वाला है, क्योंकि उसके बावजूद भी खाली खुला खुला आपको फ्लैट का स्पेस मिलता है इतना बड़ा कारपेट एरिया में। अभी मैं कुछ एमिनिटीज़ का तो मैंने आपको दिखाया है, पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, बाहर से एलिवेशन दिखाता हूँ किस टाइप का है इसका। वैसे तो मॉडल देख के आप समझ ही गए होंगे। कल्पतरु रेडियंस का 4 BHK का प्रॉपर्टी मैं शो कर रहा हूँ। एक बार घर बैठे आप ये प्रॉपर्टी देख लें, फिर ख़रीदने के लिए आप हमें फ़ोन करें। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, इसमें इन्होंने फ्लोरिंग जो दिया है ना वो मार्बल फ्लोरिंग दिया हुआ है, अलग ही दिया हुआ है। नॉर्मल फ्लैट्स में विटिफाइड टाइल्स दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग दिया हुआ है। साथ ही साथ 5 से 6 फुट चौड़ी बालकनी दिया हुआ है, और यहाँ से आपको हायर फ्लोर से जो मैंने आपको दिखाया व्यू, वो गोराई का व्यू आपको मिलता है, पगोडा का व्यू मिलता है। मैं आपको एक साइड से पूरे हॉल दिखाता हूँ इसकी लेंथ। कैमरे में तो आप देख पा रहे हैं कितना समझ पा रहे हैं वो पता नहीं, एक्चुअल आप देखें तो समझ में आएगा। 2150 square feet इसका कारपेट एरिया है, 2150 अप्रॉक्सीमेटली इसका कारपेट एरिया है, और 6 से 7 करोड़ के बीच में इसकी प्राइस जाता है, 5.5 से 6.5 करोड़ के बीच में। और ये इसका वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है, एल शेप में बड़ा किचन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। एज इट इज़ जो फ्लैट आप देख रहे हैं ना, इस तरह ही आपको डिलीवर करके दिया जाएगा। स्टार्ट में जब आप, मैंने दिखाया नहीं आपको, एक बेडरूम दिया हुआ है एक अलग से सर्वेंट के लिए, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे दो यानी कि एक फैमिली सर्वेंट की कपल्स रह सकते हैं या दो लोग रह सकते हैं, ड्राइवर हो, सर्वेंट हो, मेड हो। ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा एक जगह यहाँ पे भी बालकनी टाइप में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज या एक्स्ट्रा लगेज कुछ हो घर का तो वो आप रख सकते हैं। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके किचन, तो मैंने आपको दिखाया पहले, मैं राइट हैंड साइड पे 2 बेडरूम है और सामने 2 बेडरूम है, तो मैं राइट हैंड साइड का बेडरूम दिखा देता हूँ किस टाइप का है वो आप देख लें। ये 2 इसका मास्टर बेडरूम है, हॉल में बड़ी बालकनी दी हुई है, बाकी बेडरूम्स में आपको छज्जा मिल जाता है। क्योंकि वीडियो फ्लैट काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट्स हैं तो थोड़ा मैं आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। एक्चुअल तो आप परचेस करेंगे आके देख के ही परचेस करने वाले हैं। ये आपको एक बेडरूम मैंने दिखाया, अब दूसरा बेडरूम मैं दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा बेडरूम है वो आप देख लें। यहाँ से आप जब एंटर करते हैं तो वॉक इन वार्डरोब चाहे तो बना सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और सामने आपको सबसे पहले वॉशरूम मिलता है, बाथ एरिया कांच के अंदर है, बाहर कमोड एंड वॉश बेसिन एरिया है, उसके बाद सबसे बड़ा बेडरूम है ये। तो बेडरूम की साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 13x14 लगभग बेडरूम का साइज है, 12.10x13.11, 1-2 इंच के फ़र्क 13x14 का इसका बेडरूम का साइज है। और ये रेडी टू मूव OC के साथ
देने वाले हैं। उसी बिल्डिंग की आ चुकी है, प्रॉपर फिनिशिंग में एक दो तीन महीना जाएगा और काफ़ी दिन से इसका उसी का ये चल रहा था, तो लॉकडाउन के बाद तो अभी इसका उसी आ गया है। इकतीस माले का 4 टावर, और अब इसका ये कॉमन वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं, कॉमन वॉशरूम बोल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये इसका थर्ड बेडरूम दिखा रहा हूँ। 2 बेडरूम तो आपने राइट हैंड साइड पे देखा है, 2 बेडरूम जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका पैटर्न कैसा है वो आप देख लें। सबके बाथरूम्स और बेडरूम का पैटर्न थोड़े अपने आप में डिफरेंट है। ये इसका थर्ड एंड दिस वन इज ए 4 बेडरूम एंड फोर्थ बेडरूम इज ए कॉमन बेडरूम। इसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिल रहा है, इसमें भी छज्जा आपको मिल जाता है। व्यू देखें तो चारों साइड से आपको ओपन व्यू मिलता है और आसपास में ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटीज भी नहीं है ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आने का। तो ये मैंने आपको 4 BHK का दिखाया, जो एज इट इज़ आपको ये सब माइक्रोवेव ओवन वगैरह मॉड्यूलर किचन चिमनी वगैरह साथ में आपको मिलता है, तो अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। ये आप हम बाहर जाते हैं। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से। अभी जो प्रॉपर्टी मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये 3 BHK का प्रॉपर्टी है, बहुत ही लग्जरियस और बिग साइज प्रॉपर्टी है। कल्पतरु रेडियंस बाय कल्पतरु डेवलपर, गोरेगांव है इसमें, गोरेगांव ना, ये गोरेगांव वेस्ट में बनाया है इन्होंने। 31 माले का 4 टावर है, और अभी मैं मार्केटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ये टावर का दो सालों से काम बंद था, अभी जो है सो इसका कंप्लीट OC आ चुका है, सोसाइटी का बिल्कुल टाइटल क्लियर हो चुका है। 3 महीने में ये पोजीशन दे रहे हैं, और इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी आप इसमें बेफिक्र होकर ख़रीद सकते हैं। सोसाइटी का जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो आ चुका है, यानी OC आ चुका है, तो अभी ये 2 से 3 महीने में आपको ये पोजीशन दे देंगे। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, और साइज़ की बात करूँ ना, इसमें जो साइज इन्होंने दिया हुआ है प्रॉपर्टी का, वो बहुत ही बढ़िया साइज दिया हुआ है, बहुत ही लग्जरियस स्टाइल में बनाया है इन्होंने। अभी मैं आपको किचन का पैटर्न दिखाता हूँ, जो सर्वेंट वो के लिए रहने के लिए भी जगह दिया हुआ है किचन से अटैच्ड। ये इसका किचन है, ये इसका देखें तो वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, और व्यू की तो कमाल का व्यू है। हायर फ्लोर पे अगर आप घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो व्यू तो बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है। ये इसका छज्जा था, और अभी मैं दिखाता हूँ सर्वेंट के लिए एक अलग से इन्होंने प्रोविज़न किया हुआ है किचन से अटैच्ड। यहाँ पे आपको डबल डोर का फ्रिज का स्पेस मिलता है, और ये इसका सर्वेंट रूम बोल सकते हैं कि सर्वेंट के लिए रहने के लिए जगह ये दिया हुआ है। साथ ही साथ सर्वेंट के लिए वॉशरूम भी, सेपरेट वॉशरूम ये दिया हुआ है, ताकि ये नॉर्मल वॉशरूम यूज़ ना कर सकें जो यहाँ के फैमिली और गेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये इसका सर्वेंट वॉशरूम है, सर्वेंट रूम है। अभी मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ लिविंग डाइनिंग में, और तीनों इसका बेडरूम्स दिखाता हूँ कि किस टाइप का है। ये तो मैंने आपको लिविंग डाइनिंग यानी हॉल दिखाया, इसमें 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK,
ये मैं आपको पहला कॉमन बेडरूम शो कर रहा हूँ। कोई भी आप बेडरूम देखें ना तो बहुत ही बढ़िया साइज दिया हुआ है इन्होंने। प्राइजिंग भी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तो अपने आप समझ पाएंगे आपकी प्राइजिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने जो प्रॉपर्टी, ये इसका छज्जा है जो बेडरूम में, इसमें बालकनी सिर्फ हॉल में यानी लिविंग डाइनिंग से अटैच दिया हुआ है, बाकी सारे बेडरूम दिए हुए हैं, छज्जा दिया हुआ है। और ज़्यादातर बालकनी देखें तो आपको हॉल में ही ज़्यादा यूज़ होता है, बेडरूम में तो बालकनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के इन्होंने बनाया है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, या बाहर कुछ आउटडोर एसी वगैरह रख सकते हैं। ये मैंने पहला बेडरूम और कॉमन वॉशरूम दिखाया, उसके बाद दोनों बेडरूम देखते हैं। 2 BHK का कारपेट एरिया 900+ स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है। जनरली 3 BHK में जो एक कॉमन बेडरूम और दो मास्टर बेडरूम का कंसेप्ट रहता है वही वैसी तरह से बनाया है इन्होंने। ये आप देख सकते हैं महेंद्र खाड़ी और पेगोड़ा का व्यू आपको मिलता है। ये इसका मास्टर बेडरूम मैं आपको शो कर रहा हूँ, दूसरा मास्टर बेडरूम, इसके बाद तीसरा मास्टर बेडरूम आपको दिखाता हूँ। मास्टर बेडरूम इन द सेंस इसमें अटैच्ड सेपरेट आपको वॉशरूम मिलता है। ये जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, ये भी कंप्लीट फिनिश नहीं किया हुआ है। ये मैं हायर फ्लोर पे फ्लैट दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको थोड़ी देर में फिनिश्ड फ्लैट भी दिखाता हूँ। 3 BHK का साइज 1000+, 1200, 1300, 1400 यानी 3-4 साइज में 3 BHK है। ये इसका तीसरा मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ मैं आपको। 3 BHK में एक कॉमन बेडरूम और दो मास्टर बेडरूम है इसका। इसमें भी छज्जा आपको मिलता है। और तीसरा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना स्पेस है कि आप बाथ टब भी डाल सकते हैं। ये मैंने आपको थर्ड मास्टर बेडरूम दिखाया। तो ये 3 BHK का स्ट्रक्चर था। 4 BHK जो इसका है ना वो 2100 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है उसका। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 BHK का साइज क्या होगा। एक फ्लोर पे 6 फ्लैट 6 लिफ्ट 2 स्टेयरकेस, बहुत ही लग्जरियस प्लानिंग के साथ इन्होंने बनाया है। 2 BHK का जो प्राइज हो स्टार्ट होता है 3.25 करोड़ के आसपास, 3-3.25 करोड़ से स्टार्ट है प्राइज ऑल इन पैकेज का। और 3 BHK का 4.5 करोड़ से स्टार्ट है और 4 BHK का 5.5-6 करोड़ से स्टार्ट है। तो ये इसका रेंज है। अभी मैं आपको दूसरा इसका 2 BHK भी दिखाता हूँ। अभी मैं आपको स्टेयरकेस और पैसेज लिफ्ट का स्टाइल दिखा रहा हूँ। इसमें 6 फ्लैट 1 फ्लोर पे है, 6 लिफ्ट है और 6 हाई स्पीड लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है। प्लानिंग इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लस लोकेशन आप देखें तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब बिल्कुल 5-7 मिनट में 10 मिनट में आप रीच करते हैं। ये इसका स्टेयरकेस है। ये सब एक्चुअल मैं आपको सूट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप घर बैठे देख लें, फिर ख़रीदने के लिए आप फ़ोन करें, मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। दोस्तों ये 2 स्टेयरकेस मैंने आपको दिखाया, 3 लिफ्ट उस तरफ, ये 4th 5th 6th, ये टोटल 6 लिफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है। वो 6 लिफ्ट 6 फ्लैट के साथ उन्होंने प्रोविज़न किया हुआ है। इसका वैल्यू आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ
ये जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये गार्बेज सूट है। यहाँ से डायरेक्टली आप आपके गार्बेज यानी आपके जो घर का जो कचरा होता है वो आप सूट कर सकते हैं। ये सीधा सीधा नीचे चला जाएगा जहाँ पे, और सर्वेंट के लिए एक सेपरेट हर एक स्टेयरकेस पे दिया हुआ है वॉशरूम सर्वेंट एंड ड्राइवर्स के लिए, मेड के लिए, ताकि वो आपके घर का यूज़ ना करें जो फैमिली और गेस्ट यूज़ करते हैं। साथ ही साथ दूसरा एक प्रोविज़न किया हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फायर सूट। ये फायर सूट का प्रोविज़न ज़्यादातर बड़े बड़े सिटीज़ में देखने को मिलता है, एब्रॉड में देखने को मिलता है कि फायर वगैरह अगर गलती से बिल्डिंग में होता है तो यहाँ का सिनेरियो ये है कि यहाँ से डायरेक्टली आप नीचे जंप का प्रोविज़न किया हुआ है कि यहाँ से नीचे आप डायरेक्टली जा सकते हैं, तो वो फायर सूट का प्रोविज़न किया हुआ है। उतना ही सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ है, मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा उस हिसाब से। गार्बेज सूट फायर सूट का प्रोविज़न बिल्डर ने, डेवलपर ने यहाँ पे किया हुआ है। एक्चुअल इसका ज़्यादा मतलब समझना चाहते हैं एक बार साइट पे आइए, आप हमें फ़ोन करिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी इसको ख़रीदने में। अभी मैं कल्पतरु रेडियंस का मॉडल दिखा देता हूँ, जिसके आपको समझ में आ जाए कि कमर्शियल क्या है, क्योंकि जी प्लस टू का यहाँ पे कमर्शियल है और कुछ एमिनिटीज़ जो है वो इसके सेकंड लेवल पे एमिनिटीज़ है, ये आप देख सकते हैं। और चार टावर है, 31 स्टोरी का चार टावर है, और यहाँ से आपको एंट्री मिलता है। और एमिनिटीज़ ये क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ये सब आपको सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फोर्थ फ्लोर पे मिलता है। तो इसका प्लानिंग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया हुआ है, आप देखें तो इसमें एक रहने का अपना जो मज़ा है कल्पतरु रेडियंस का वो अलग ही है। ये जब आप यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकली विजिट करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े कारपेट में इन्होंने मल्टीपर्पज़ कोर्ट भी डिज़ाइन किया हुआ है, और व्यू तो मैंने फ्लैट से आपको दिखाया ही है। अभी मैं आपको बेसमेंट पार्किंग शो कर रहा हूँ कल्पतरु रेडियंस का, और ये इसका रैंप है नीचे जाने के लिए। इसमें करीबन 3 से 4 फ्लोर इसका पार्किंग दिया हुआ है। अभी हम खड़े हैं एमिनिटीज़ वाले फ्लोर पे, तो यहाँ की कुछ मैं ब्यूटी दिखा दूँ, बिकॉज़ अभी जस्ट OC आया है तो 2-3 महीना तो इनको सेट करने में जाएगा। तो मैं कुछ एलिवेशन दिखा रहा हूँ चारों टावर का, जो 31 माले का टावर है। साथ ही साथ ये स्विमिंग पूल है इसका, और ये चार टावर, ये इसका क्लब हाउस है, और ये दूसरा, दो तो क्लब हाउस इन्होंने दिया हुआ है। और मैं कुछ प्लांटिंग वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने किया है, ये आप देख सकते हैं। ये इनका बड़ा करीबन हाफ ओलंपिक साइज़ में इसका स्विमिंग पूल दिया हुआ है इन्होंने।